मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उठो जागो और सवेरा हो गया, पछताओगे जब अंधेरा हो गया। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी तर्ज पर मैं अगले सवाल लेके चल रहा हूँ। मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पर आपको अब तक ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, बेस अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हैं आज का पहला सवाल लेकर। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो इनकम है वो बनती है एक्सपेंडिचर और सेविंग से। इनकम कैसे बनती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग से। कहने का मतलब आय कैसे बनती है? खर्चे और बचत से, राइट? या खर्चा प्लस बचत जुड़ के आय बन जाती है। इसी तर्ज पर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर मिलेगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.2% खर्च कर देता है। अगली लाइन बोल रहा है कि उसकी आय 12.5% बढ़ जाती है, उसका खर्चा भी 14.2% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 87.5% 87.1/2% की फ्रैक्शन 7/8 होती है। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये कह रहा हूँ कि यदि आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं ये चीज़ें। इवन 1-3 सेकेंड में आप इस चीज़ को बना पाओगे कि 7/8 87.1/3 होता है। मैंने फिर पिछली वीडियो में बताया था कि नीचे वाली आपकी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इनकम तो हो गई 8 और उसका खर्चा कितना हो गया? 7। इनकम 8 है और खर्चा कितना है? 7। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई आदमी 8 रुपए की कमाई करके आया और 7 रुपए खर्चा कर दिया, तो उसने बचाया कितना? 1। सही बोल रहा हूं भैया? 87.1/2% कितना लिखा? 7/8। 8 इसकी इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें से 7 रुपये खर्च कर दिया, तो 8 रुपये कमा के 7 रुपये खर्च कर दिया, इसका मतलब 87.1/2% खर्च कर दिया, राइट? अब हमें कह रहा है कि उसका इनकम 12.5% से बढ़ गया। इनकम किससे बढ़ गया? 12.5% से। कोई बताएगा इनकम था कितना? 8। यदि 8 का 1/8 बढ़ चुका है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। सही बोल रहा हूँ बातों में? जब 1/8 बढ़ा तो 8 का 1/8 कितना हुआ? 1। इसका मतलब उसकी इनकम 8 से 1 बढ़ के कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है। अब वो ये कह रहा है हमें कि हमारा खर्चा भी 14.2/7% बढ़ चुका है। हमारा खर्चा भी 14.2/7% बढ़ चुका है। 14.2/7% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/7। खर्चा 7 था, 7 का 1/7 जब बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। समझ पा रहे हो ना बातों को? तो खर्चा 7 से कितना हो गया? 8। इनकम कितनी थी? 9। खर्चा था 8, तो कोई बताएगा उसकी सेविंग भी 1 थी। अच्छा, पहले भी 1 सेविंग करता था, अब भी 1 सेविंग करता है, समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब उसकी बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपका फोर्थ ऑप्शन देख पा रहे हो आप, उसमें लिखा हुआ है नो चेंज, तो उस पर आप टिक करिए और आगे बढ़िए। इसी तर्ज पर मैं अगले सवाल की बात करता हूँ। सवाल आपको फिर स्क्रीन पर मिलेगा। वो कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 18,500 रुपये खर्च करता है तथा 7,400 रुपये की बचत करता है, उसकी आय 57.1/7% बढ़ जाती है और खर्चा भी 60% बढ़ जाता है, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो सर, इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ सेकंड की ज़रूरत है। सवाल का कंटेंट देख रहे होंगे कि आप कितना शानदार है, पर यदि आप हम मेरी समझ से, मेरी सोच से सवाल को करेंगे तो आप इवन सेकंडों में इस सवाल को कर देंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप इस सवाल को करिए, देखिए कितना टाइम लगता है, और मेरे मेथड से करके देखना आपको कितना टाइम लगता है। तो आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करवा रहा है, A1 प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप इस कंटेंट के साथ बने रहिए लगातार, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलता रहेगा जो आपको आने वाली एग्ज़ाम्स में, आने वाले आपकी गवर्नमेंट जॉब में बहुत सहायता करेगा। तो मैं इस सवाल को हल करवाता हूँ आपको। वो मुझे ये कह रहा था कि मैं 18,500 रुपये का तो खर्चा कर देता हूँ और 7,400 रुपये बचा लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब खर्चा और बचत जुड़ जाती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग जब आपके पास जुड़ गई, तो आपके पास क्या बन गया? इनकम बन गई।
समझ पा रहे हो ना बात, तो क्या बन गया, इनकम बन गई। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो मेरा डाटा है वो 37 के पहाड़े से पूरा पूरा कट रहा है, तो टेबल लर्न करके रखा करो अपने पास, 37 की टेबल से कट रहा है, तो ये कट गया 200 पे, 37 × 74 37 × 5 = 137 37 × 7 = 259, समझ पा रहे हो। तो मेरा रेशो तैयार हो गया 700, 500 और 200 का। आगे वो मुझे ये बता रहा है कि उसकी आय 57 सही 1/7% बढ़ गई। 57 सही 1/7% का मतलब क्या था, 4/7। यदि उसकी इनकम 7 है तो 4 बढ़ चुकी है, इनकम कितनी है 7 है तो 4 बढ़ चुकी है। वो कह रहा है 700 है, 700 का यदि 4/7 निकालोगे तो कितनी बढ़ गई, 400 बढ़ गई, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1100। समझ गई बात तुम। अब वो कह रहा है कि उसका खर्चा 60% से बढ़ गया। खर्चा कितने से बढ़ गया, 60%। कोई बताएगा खर्चा कितना है, 500। जब 500 का 60% आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 300। तो उसका खर्चा 300 बढ़ गया, तो इसका मतलब उसका खर्चा हो कितना गया, 800। कमाई कितनी है, 1100। खर्चा कितना है, 800। तो बचत कितनी है, 300। कोई बताएगा पहले बचत कितनी थी, 200, अब बचत कितनी है, 300। बचत में क्या चेंज आया, वृद्धि हो गई। बचत में क्या चेंज आया, वृद्धि होगी। कोई बताएगा कितनी वृद्धि हुई, सर 100 की। अरे कितनी वृद्धि हुई, 100 की। अच्छा ये 100 की जो चेंज आया है, ये जो 100 का चेंज आया 200 पर आया है या 300 पर आया, सर ऑब्वियस सी बात है कि 200 पे आया है, सही बात है ना। 100 का चेंज आया 200 पे, परसेंट निकालने के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी हैं। 100 बढ़ गया कितने पे, 200 पे, तो कितने परसेंट का चेंज आ चुका है, 50% का। समझ पा रहे हो बातों को या नहीं, पक्का ठीक है। सेम ही एक और सवाल, मैं एक ही टाइप के 3 सवाल करवा रहा हूँ, एडवांस लेवल, मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल, एवरेज लेवल, समझ पा रहे हो। इजी लेवल तो फिर आप कर ही लोगे, ठीक है। अगला सवाल पढ़ता हूँ मैं आपके साथ, कोई व्यक्ति, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर का आया हुआ कहीं से सवाल है, शायद मेंस में आया था ये। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है, 75% भाग खर्च कर दिया, मुझे एक बात बताओ, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है तो आप मानते हो क्या कि 25% भाग जो है वो बचा लेगा, क्योंकि इनकम कितनी मानी जाएगी, 100%। अरे समझ पा रहे हो ना बातों को, 75% भाग उसने खर्च किया। इस दुनिया में कोई भी बंदा कोई 75% भाग खर्च कर रहा है, इसका मतलब 25% बचा रहा है, 75% और 25% बन के उसकी इनकम बन रही है। यदि फिर वही बात कह रहा हूँ कि क्या कर लो, अपने हिसाब से इसका रेशो सेट कर लो, 25 × 25, 3 × 4 × इसको लिख लो, 400, 300 और 100, अपने हिसाब से रेशो सेट कर लिया। परसेंटेज से परसेंटेज ही तो बढ़ा रहे हैं, रेशो से रेशो ही तो बढ़ा रहे हैं, तो अपने हिसाब से रेशो सेट कर लिया इसको। वो कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ गई, तो उसकी आय होगी कितनी कभी, 20% बढ़ गई, तो 400 का 20% 80, तो इनकम कितनी होगी, 480, सही है ना, 400 का 20% हर कोई निकाल लेगा यार, 400 का 20% 80, तो इनकम कितनी होगी, 480। अब वो कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, खर्चा भी, आपको सवाल मिल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहाँ से पढ़ो, उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ा दो 10%, सर खर्चा 10% बढ़ेगा तो 300 का 10% होता है 30, बोल के बताना, 300 का 10% हो गया 30, तो जैसे ही मैंने 30 बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 330। अच्छा 480 रुपये इसकी कमाई थी, 330 रुपये इसने खर्चा कर दिया, तो बताओ बचाया कितना, सर बचाया 150। अरे हाँ या ना, अच्छा ये बताओ फिर कि 100 रुपये पहले कम बचाता था, अब 150 रुपये बचाता है, तो बताओ कितना और बचाना शुरू कर दिया, सर 50। यदि ये 50 बचाना शुरू कर दिया किस पे, 100 पे, अरे पहले 100 बचा रहा था अब 150 बचा रहा है, तो कितना परसेंट बचा रहा है भाई, 50% अधिक बचाना शुरू कर दिया, उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई। ओके चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु की अंकित कीमत 5000 रुपये है, किंतु त्यौहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है। एक व्यक्ति है इस अवसर का लाभ उठाता है और कम कीमत पर वस्तु को खरीद आता है और इस वस्तु को 5000 रुपये में बेच देता है, और जैसे ही वो उसको 5000 में बेचता है तो 11 1/9%, 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, तो बताइए उस वस्तु को कितनी प्रतिशत छूट पर खरीदा गया था। वो कह रहा है भाई क्या कि मैं 5000 रुपये एक वस्तु पे लिखा हुआ था, कितने हजार रुपये, 5000 रुपये,
वो कह रहा है कि 5000 रुपये की इस वस्तु पे लिखा हुआ था और उस दिन कोई डिस्काउंट चल रहा था और मैं उस वस्तु को खरीद आया। अब पता नहीं है मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट था, मैं जितने की वस्तु खरीद के आया मुझे पता नहीं है, पर मैंने उस वस्तु को बेचा कितने में, 5000 में। इसका मतलब ये हुआ सर कि 5000 में बेचने के बाद उसका क्रय मूल्य कितना तय, विक्रय मूल्य कितना तय हो गया, 5000। वो कह रहा है जैसे ही मैंने देखा कि ये मेरी वस्तु 5000 में बिकी है और मैंने हिसाब लगाया तो मुझे 11.1% का लाभ हो रहा था। क्या हुआ, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी वस्तु 5000 में बिक रही है तो मैंने देखा भी मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11.1% का। सर 11.1% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9। 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कॉस्ट प्राइस 9 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 10। इस दुनिया में जब जब 11.1% का लाभ होगा तब तब 9 यूनिट वाली वस्तु 10 यूनिट में बिकेगी। क्या बोला, जब जब इस दुनिया में 11.1% का लाभ होगा तब तब 9 यूनिट वाली वस्तु 10 यूनिट में बिकेगी। राइट, हम कह रहे हैं 10 यूनिट में बिक रही है, हम क्या कह रहे हैं, 10 यूनिट में बिक रही है, और ये कितने में कह रहा है, 5000 में बिक रही है। अच्छा यदि 10 यूनिट बराबर 5000 हुआ तो 1 यूनिट बराबर 500। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 यूनिट बराबर 500 हुआ तो कोई बताएगा 9 यूनिट बराबर कितना हुआ, 9 × 500 माने 4500। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है, 4500। अरे बोल के बता दो, कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है, 4500 रुपये। समझ गए बात को। अच्छा मुझे इतना पता चल गया कि जिस वस्तु पे 5000 रुपये लिखा हुआ था, जिस वस्तु पे कितना लिखा हुआ था, 5000 रुपये लिखा हुआ था, मैं उस वस्तु को 4500 रुपये में लेके आया था और 5000 की बेची थी। समझ पा रहे हो इन बातों को। जब मैं 5000 वाली चीज 4500 में लेके आ रहा था तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि मैं 500 का डिस्काउंट लेके आ रहा था उससे। अरे सही बोल रहा हूँ ना, डिस्काउंट हमेशा हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा। ये 500 का डिस्काउंट किस पे मिला होगा, 5000 पे, परसेंट निकालने के लिए 100। तो इसका मतलब आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रही थी उस टाइम, जिस दिन डिस्काउंट ऑफर चल रहा था उस दिन आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 10% पे। एक बार और देख लीजिए पीछे करके वीडियो, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल ना आपको डाटा बहुत अच्छा है इसलिए मुझे पसंद आया, इसलिए मैं इस सवाल को आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, सवाल का डाटा बहुत बड़ा दे रखा है तो इससे कई बार क्या होता है, बच्चे बड़ा डाटा दे के घबरा रहे होते हैं तो वो करने में बहुत आसान हो रहा होता है, उसको ही लेके मैंने ये सवाल करवाया। कह रहा है एक व्यापारी है 2,10,000 रुपये लैपटॉप पर और 1,00,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन पर और 1,50,000 रुपये के टेलीविज़न सेट खरीदता है, आयात करता है, परचेज करता है। उसे विशेष मामले में लैपटॉप पर 10%, 8% फ़ोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी देनी पड़ती है, मतलब कोई टैक्स वगैरह देना पड़ता है, तो बताओ उसने कुल कितना टैक्स दिया। तो आपको पता है ये बहुत ही आसान सा और छोटा सा सवाल है, क्या कि लैपटॉप कितने का था, 2,10,000 का, मोबाइल फ़ोन कितने का था, 1,00,000 का, टीवी कितने का था, 1,50,000 का। वो कहता है इस पे मैं 10% ड्यूटी देता हूँ तो ये हो गया 21,000, 2,10,000 का 10% कितना हो गया, 21,000। समझ रहे हो ना बातों को। वो कह रहा है 1,00,000 का 8% कितना हो गया, 8,000। 1,50,000 का 5% कितना हो गया, 7,500। वो कह रहा है टोटल ड्यूटी कितनी दे रहा है, तो मैंने इन तीनों का जोड़ किया, जब 21,000 और 8,000, 29,000, 29 और 7, 36, 37,500 रुपये की ड्यूटी देता है। मान लो आने वाले पेपर में ये कह दे कि कितने प्रतिशत का एवरेज ड्यूटी किसने कितना दिया उसने, तो एवरेज ड्यूटी निकालने के लिए क्या करोगे कि 36,500 4,60,000 × 100 लगभग ही आपके पास आ जाएगा। देखो भी इसका 10% तो 46,000 आएगा, 36 आ रहा है ना, तो आपके पास मान लो कि 8×32, 8% के करीब करीब आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, 7 से 8% के करीब करीब, ठीक है, समझ आ गया होगा। मैंने कहा था बहुत ही आसान सा सवाल है, मैंने टाइम भी नहीं लिया इस सवाल में। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, इसको बहुत प्यार से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं पढ़ूंगा और आपके सामने स्क्रीन पर आप पॉज करके आराम से लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच दिखा रहा हूँ लाइव, क्या घाटा है, फ्री में मैच मिल रहा है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है,
वो कह रहा है कि एक निश्चित तारीख किसी दिन क्या हुआ, निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच एक मैच खेला गया, पाकिस्तान की भारत के मुकाबले जो सफलता दर थी वो थी 60%। पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर कितनी थी? 60%। अच्छा, यदि पाकिस्तान की 60% थी तो इंडिया उस टाइम पे 40% जीता। यदि सफलता में पाकिस्तान 60% था तो इंडिया 40% था। आगे बढ़ते हैं। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। पता ही है पाकिस्तान ने हारना ही है, हर बार ही हारते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। ये 30% क्या 0% रह जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बतानी है आपको। ठीक है, अभी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बता दूं, ये परसेंटेज में आया हुआ सवाल है ना, क्योंकि सारे परसेंटेज 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 दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये सवाल एलिगेशन का है, मिक्सचर में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ सीखिए, आपको एलिगेशन का जब मैं चैप्टर करवा रहा हूँगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारे कंसेप्ट तो एलिगेशन में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, बोर्ड पे देखिए, मुझे ये बताइए, जब पाकिस्तान 60% डाटा खेल रहा था या सफलता दर 60% थी तो उस टाइम इंडिया की 40% होगी। ठीक है, 30 मैच बीत गए और पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं जीता, तो इसका मतलब ये हुआ ना पाकिस्तान शुरू में जितने मैच जीता था अब तक कांस्टेंट है। समझ गए, जो आज का मुकाबला हो रहा है ना, जो आज का डाटा ये कहता है कि 70% इंडिया जीता है और 30% पाकिस्तान जीता है। वो कहता है ना सफलता दर गिर कर 30% रह गई, तो ये 30% है तो ये 70 रह गया। ये सारा अपने को रेशो दे रखा है। इसको अपन 20 से काट दें तो ये कितना बन गया, 2-3, और इसको काट दें 10 के पाड़े से तो ये कितना रह गया, 3-3, राइट। पाकिस्तान ऐसे सवालों में क्या करना है आपको बच्चों, इसमें क्या करना है कि जो बंदा कांस्टेंट रह चुका है, देखो वेरिएशन इंडिया में आ रहे हैं, अब सारे के सारे मैच कौन जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान शुरू में जितने मैच जीता था ना बस उतने ही जीता, उसके बाद कोई मैच नहीं जीता, तो पाकिस्तान के मैच बराबर कर लो। यदि शुरू में 3 जीता था तो अब तक भी कितने जीता है, 3 ही जीता है। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया शुरू में कितने मैच जीता था, 2, जब पाकिस्तान 3 जीत रहा था। अब पाकिस्तान कोई मैच जीता ही नहीं, इसका मतलब 3 के 3 ही रह गए, तो मुझे ये बताओ ये 2 से 7 हो गया तो इसका मतलब 5 मैच हुए। अरे कितने मैच हुए, 5, और 5 के 5 जीता भी कौन है, इंडिया। हम कह रहे हैं 5 मैच हुए हैं और ये कह रहा है 30 मैच हुए हैं। अरे सही बात तो है, हम कितने मैच कह रहे हैं कि 2 मैच इंडिया जीता था जब पाकिस्तान 3 था। पाकिस्तान अभी भी 3 है पर इंडिया कहाँ पहुंच चुका है, 7 पे। सही है भैया, तो कितने का चेंज आ गया, 5 का। सर ये 5 का चेंज आया पर वो कह रहा है कितने मैचों का चेंज आ गया, 30 का। 5 = 30 आ रहा, तो 1 = 6 आ गया, 1 यूनिट = कितना हो गया, 6। वो कह रहा है कुल मैच कितने खेले गए, कुल मैच खेले गए 7 और 3 = 10। 1 = 6 आया तो 10 = कितना होगा, 60। यही उसने पूछा था कि एक दिवसीय की खेले गए कुल मैचों की संख्या 60। अच्छा 60 से पहले 30 यहाँ खेले गए थे, समझ पा रहे हो ना बातों को, 30 यहाँ खेले गए थे, 30 और खेले गए तो टोटल मैच कितने हो गए, 60। आपको ऑप्शन मिल जाएगा सी, 60 पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, लाजमी है पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंटेंट जो तैयार किए हैं वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। आपको यदि पसंद आ रहे हैं, आप यदि चाहते हैं कि मैंने ये सवाल किया, मुझे इस टाइप का सवाल मिला और ये सवाल मेरे से हल नहीं हो रहा, तो आप यूट्यूब पे हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें कमेंट करें। पसंद आ रही है वीडियो, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, शेयर करना ना भूलें। आपको लग रहा है देखो हम आपकी मदद कर रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ से पढ़ें। तो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।